फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमेंद्र कुमार और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने जो नया चैनल है उसको बना सकते हैं और बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप अचानक से ही कोई नया चैनल क्रिएट कर देते हैं और आप वीडियो अपलोड करते हैं और आगे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और आगे चल के आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता है। आपको क्या दिक्कतें आएंगी, तो मैं सबसे पहले उन यूट्यूबर्स के लिए बताना चाहता हूँ जो कि अभी अपना चैनल क्रिएट कर लिया है या जो चैनल अपना बनाने की सोच रहे हैं। तो मैं कुछ टिप्स बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो पहले का चैनल है उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैंने अभी जो दूसरा चैनल अपना बनाया है तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी इस चैनल पर नया हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब आप कोई भी अपना चैनल बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, तो आप अगर चैनल अप्लाई करते हैं तो एकदम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि तो इससे क्या होता है कि जो आपका टाइम होता है लगभग 1-12 मंथ के समथिंग का होता है, तो उसमें जो आपका तब तक 4000 जो घंटे होते हैं वो ना पूरे हों या 1000 सब्सक्राइब कम्प्लीट ना हो, तब तक आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन जो है ऑन नहीं होता है। उससे पहले आप क्या करें, जो आप चैनल बनाने की सोच ही रहे हैं या आपने बना लिया है तो आप उस पर वीडियो डालते हैं, तो आप लगातार अगर वीडियो डालते रहेंगे धीरे धीरे उस पर वॉच टाइम बढ़ेगा, सब्सक्राइब बढ़ेंगे। जब आपको लगे कि आपके वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और जो आपके सब्सक्राइब हैं कम्प्लीट हो चुके हैं और मतलब जो कि आपका चैनल बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगा है, तभी आप वहाँ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें। तो आपका जो मोनेटाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो यूट्यूबर्स की तरफ से एक रिव्यू होगा, तो उसके तहत आपको वहाँ से तय होगा कि आपके चैनल को मोनेटाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो तो यूट्यूबर्स की तरफ से ही रहेगा, कब किस को देख के वो करते हैं। तो इसके लिए आपको लगातार यूट्यूब पर अपने लगे रहना है और अपने वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करते रहने, ऐसा कभी भी ना करें कि वीडियो आज आपने अपलोड किया फिर इधर, मतलब कोई टाइम एक टाइमिंग चाहिए होती है आपके चैनल पर रहने के लिए, आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है, आपको कम से कम वीक में 2-3 वीडियो तो चाहिए ही होते हैं, और अगर आप कंटिन्यू डाल सके तो बहुत ही अच्छा है, उससे परफॉर्मेंस आपकी और अच्छी होगी और यहाँ पर आपका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो चैनल है वो आपके मतलब वीडियोज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस लेवल पर किस तरह से बना रहे हैं। तो आप चैनल को अपने बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे वीडियो डालें, मतलब जिसको आपने कोई कैटेगरी चूज़ कर लें, आप अगर एजुकेशन पे बना रहे हैं या एंटरटेनमेंट पे बना रहे हैं या कोई कॉमेडी वगैरह इस टाइप से अलग अलग के वीडियो, या आप कोई टेक्निकल साइंस वगैरह के वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे आपको कैटेगरी मिल जाती हैं और जिस तरह का वीडियो बना सकते हैं, तो अगर बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। तो उस पर आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है और मैं बता दूँ कि आपको अगर जो भी नए यूट्यूबर्स हैं यहाँ गलतियाँ कर देते हैं, तो इसलिए आपको मोनेटाइजेशन पहले और नहीं करना है, पहले अपने अपने चैनल को इस तरह से इस लेवल पे ले आएं ताकि आप मोनेटाइजेशन के लिए आपको आप अप्लाई कर सके और आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन हो पाए। और यूट्यूब की तरफ से तभी जब आप ये टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तभी जाके आपका ये काम हो पाएगा। तो इसलिए मैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।